नंद किशोर कॉलेट आगरमालवा ग्राम पंचायत के किसानों के साथ भयंकर छलावा। हर वर्ष किसान अन्नदाता सोसाइटी के माध्यम से अपना खाद एवं बीज का लेन देन सोसाइटी के माध्यम से करते हैं। उसी समय सोसाइटी संचालक किसानों का बीमा करते हैं एवं प्रीमियम भी काटते हैं एवं ग्राम सेवक व संबंधित बीमा कंपनी के कर्मचारी गाँव में आकर किसानों को खेत में मौके पर जाकर 5 से 7 खेतों में जाकर शासन के नियमानुसार प्लाट बनाकर उसकी एंट्री भू अभिलेख कार्यालय में जमा करवाते हैं। हर रवि और खरीफ की फसल का बीमा प्रीमियम पिपलोन खुर्द के किसान अन्नदाताओं का काटा जाता है। इसके बाद पिछली बार सर्वे करने के लिए जब टीम गांव आई थी तो टीम द्वारा नुकसान पूर्ण रूप से दर्शाया गया था। फिर भी 2015 व 2016 की बीमा राशि से पिपलोन खुर्द गाँव के किसानों को पूर्ण रूप से वंचित कर दिया गया, जबकि आसपास के ग्रामों के समस्त किसानों को बीमा राशि आवंटित की गई थी। अभी 2017 व 18 का ही बीमा राशि किसानों के खाते में जमा कर दी गई है, लेकिन इस बार भी ग्राम पंचायत पिपरा खुर्द के किसानों को पूरी तरह से लिस्ट से गायब कर दिया गया है। केवल पिपलोन खुर्द के 9 किसानों का लिस्ट में है, जबकि ग्राम पंचायत पिपलोन खुर्द के समस्त किसानों से बीमा प्रीमियम काटा गया है, तो फिर 9 किसानों को कैसे जोड़ दिया गया? यह बात सोचने पर मजबूर करती है। किसान पिछले सोयाबीन की मार से अभी तक उबर भी नहीं पाया है। ऊपर से 223 2020 से जनता कर्फ्यू एवं 253 2020 से संपूर्ण भारत राष्ट्र में कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन कोशिश किया हुआ है। ऐसे में किसानों को आने वाले फसल के बारे में ही सोचकर दिल दहल जाता है। किसान को वर्तमान समय में खाद एवं बीज इकाई जुताई के लिए रुपयों की सख्त ज़रूरत है। ऐसे में बीमा क्लेम न मिलना पिपलोन खुर्द ग्राम पंचायत के किसानों के साथ बड़ा ही अन्याय पूर्ण कदम है। किसानों के पास इस समय न कोई नगद पूंजी है, न ही उन्हें बाज़ार से कोई उधार दे रहा है।